थाना हमारी से अभी आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है, ये थाना प्रभारी ने पीड़ित परिवार के साथ ही बोला है। एसआईटी जब आप गठन किए हैं तो उद्भेदन हो गया 3 घंटे के अंदर में, 24 घंटे के अंदर में आपके थाना पे जो गया था पीड़ित परिवार उसको वहां से भगा दिया गया था प्रथम बार में। मैं इस सारी बात की जांच करूंगा, यदि ये बातें हैं तो इस बात की जांच कराई जाएगी, यदि हमारी पुलिस की लापरवाही सामने आएगी तो मैं कार्रवाई भी करूंगा। लेकिन हमें अब तक अभी आप लोग प्रेस में बैठ रहे हैं उनको जानकारी दी जा रही है, हमें पीड़ित परिवार तक कोई जानकारी हमें अब तक नहीं दी गई है कि थाना स्तर से कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया गया या कांड दर्ज करने में कोई मतलब लापरवाही बरती गई। जानकारी हमारे मिलने के बाद एसआईटी टीम में देखिए मैं अकेला कुछ नहीं किया, ये टीम वर्क है। इस टीम में एसडीपीओ हमारे जो 3-4 थाना प्रभारी है, जो मेरा डीआईयू की टीम है, सबों ने मिलकर काम किया और एक टीम एफर्ट था कि बहुत कम समय में हम लोग उसका कांड का उद्भेदन और गिरफ्तारी करने। अब हम अनुसंधान करेंगे, तत्काल तो ये जानकारी आप लगी है कि बहन के साथ इसका लव अफेयर था जो कि प्रिय ने स्वीकार किया और उसे ये था कि रोहित उसके जो बाधा है उसे ये भी था कि शायद रोहित मेरी हत्या भी कर सकता है, क्योंकि तो कहीं रोहित पता है ना, तो रोहित जिंदा है नहीं, अब तुम्हारे पास जो प्रियम की बात है वो सामने, तो उसे ये प्रियम जो बता रहा है कि उसे ये था कि हमारी हत्या रोहित कर या करवा सकता। रकम जो सर मांग किया गया था वो गन पॉइंट पर या चाकू गले पर रखकर, चाकू दोनों हाथ उसका पीछे बांध दिया गया था और चाकू के पॉइंट पे बस बरगलाने के लिए, ताकि ये जो घटना का आप समझ लीजिए कि किडनैप करता है उसे हत्या कर देता है, तुरंत हत्या कर देता है। घटना के बाद क्या किया, इसके बाद इसका पॉलिसी क्या था, घटना जब किया प्रियम जो आप ध्यान दीजिएगा कि प्रियम आराम से घर पे है ताकि कोई शक उस पर ना करे, उसने डाइवर्ट करने की कोशिश किया कि रंग फिरौती है तो अपहरण किया गया ताकि पुलिस उस लाइन पे सोचे, लेकिन हम लोग जी ये हम लोग सारे सबूत हमारे पास है। तो मैं पहले कहा कि अपराधी अपनी ओर से हर चाल चला अपने आप को बचने का, बचाने का, पुलिस को दिग्भ्रमित करने का। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में सबसे सब कुछ हमारे पास रहा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी रहा और हमें हमारे पास कुछ मैनुअल भी हिंट मिला जिससे दोनों से पुष्टि हुआ एक दूसरे इंफॉर्मेशन। मृतक के बहन के साथ था और वो मृतक को रोहित को अपने रास्ते का बाधा समझता था और रास्ते से हटाने के लिए ही उसने ये घटना किया जिसमें उसकी प्रियम गिरफ्तारी हो गई है और उनके निशानदेही पे ही हम लोग डेड बॉडी को बरामद भी किए। पूछताछ में बताया कि हत्या करके वहाँ लाश रखा हुआ है, यहाँ से जाके हथियार जो छोड़ा का प्रयोग किया गया था, जो गमछा प्रयोग किया गया था और जो कपड़ा ये पहना हुआ था वो सारी पूरी बरामद कर ली गई है और हम लोग कोशिश है कि वैज्ञानिक अनुसंधान से जो भी साक्ष्य हमारे सामने आए हैं उसके आधार पर हम लोग टाइमली चार्जशीट सबमिट करेंगे और स्पीडी ट्रायल चलवाएंगे ताकि इसे सजा दिलाई जा सके। निश्चित रूप से क्योंकि एसआईटी लगातार अच्छा काम है करती जा रही है ना, तो मुझे अपने एसआईटी पे गर्व भी है और जो मुझे की जो भी उपलब्धि है वो एसआईटी को उपलब्धि होता है। पुलिस एसआई का जो बेटा था वो पुलिस पे भरोसा था लेकिन उसके पिता का मेरा भरोसा उठ गया पुलिस, क्योंकि वो पुलिस परिवार में है वो भी समझते होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस परिवार जो भरोसा नहीं उठना चाहिए, अब समय है कि पुलिस मिल करके ट्रायल में फोकस करें ताकि सजा उसको दिलाई जाए। हमारी ओर से भरपूर कोशिश रहेगी कि उसे सजा।